अरे यार, मेरे ये एकदम ड्राई फ्रीजी है, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पर अब एकदम सिल्की स्मूथ हो गए हैं, पता है कैसे? चलो अब बताती हूँ। उसके लिए मैं आ गई हूँ मीरा रोड के बेस्ट सैलून में। दिस इज जस्टिस मेकओवर सैलून एंड एकेडमी। इसका डिटेल लोकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद गूगल मैप लिंक। तो चलिए सबसे पहले हम अंदर चलते हैं और देखते हैं उनका एम्बियंस कैसा है। ओ वाओ, दिस इज सच एंड ब्यूटीफुल विद ऑल द प्रॉपर फैसिलिटीज एंड अ हेल्पफुल स्टाफ। और इनके पास आपको बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्मूथनिंग, केरा स्मूथ, केराटीन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, ग्लोबल कलर, हाईलाइट्स एंड ऑल्सो स्किन हाइड्राफेशियल एंड मेनी मोर। तो चलो कुछ जानकारी यहाँ के ओनर श्रेया से भी ले ली जाए। तो आपके यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं? हमारे जो हेयर स्किन मेकअप जो होता है दिल्ली सलोन एंड एकेडमी, वो इधर सिखाते भी हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे आर कमिंग हियर। ओके, तो कोई न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है? अभी जून से स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी 2-3 स्टूडेंट्स हैं अभी। मेकअप भी सिखाते हैं? या मेकअप, हेयर स्किन मेकअप, हेयर स्किन मेकअप भी अच्छा से होता है। आज तक अपने हेयर्स पे कभी कोई ट्रीटमेंट्स नहीं करवाई थी, तो मैंने उनको ही बोला कि आप ही मेरे हेयर्स चेक करके बता दो कि क्या सूट करेगा। एंड फिर उनके सजेशंस के अकॉर्डिंग मैंने किया केरा स्मूथ, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने मेरे हेयर्स अच्छे से वॉश किए। आई मस्ट से इनका हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट था यार। एंड इसके बाद अच्छे से टॉवल से ड्राई किया, फिर हेयर ड्रायर से भी ड्राई कर दिया ताकि मेरे जो हेयर्स है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर कॉम किया हेयर्स मेरे, एंड उसके बाद अच्छे से हेयर्स को पार्टीशन किया और उसके बाद स्टार्ट हो गया ये स्मूथनिंग का प्रोसेस। आप देख ही सकते हो कि एकदम अच्छे से और प्रॉपरली सब कुछ अप्लाई किया जा रहा है विद प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये होने के बाद फिर से एक बार मेरे हेयर्स वॉश कर दिए और उसके बाद वापस अच्छे से ड्राई करके कॉम कर दिए हेयर को, एंड उसके बाद ये स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट कर दिया। आप देख ही सकते हो कि एकदम प्रॉपरली और काफी पेशेंसली एक एक बाल को अच्छे से स्ट्रेट किया और फिर केराटीन करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पर्सनली इनके ये सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छे लगे क्योंकि सब कुछ एकदम परफेक्टली एंड प्रॉपर था। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन to visit here as they give their best services. मैंने आज तक ऐसी कोई treatment नहीं करवाई थी, so I was shocked at the end to see the result of my hairs. Now it has been more than 10 days to my hairs और वो और भी अच्छे दिखने लगे यार। मतलब आई एम वेरी मच हैप्पी विद देयर सर्विसेज। ये सब होने के बाद मेरे हेयर्स प्रॉपर ऊपर करके शॉवर कैप लगा दी क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला था मेरा स्किन हाइड्राफेशियल। ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही करने जा रही थी और अभी इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। करंटली ये ऑफर प्राइस में चल रहा है तो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। जो भी सर्विसेज मैंने करवाई है उसकी प्राइस स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रॉपर और अच्छे से सब कुछ किया। आई मस्ट से दैट द ओनर एंड स्टाफ दोनों ही काफी ज्यादा केयरिंग एंड फ्रेंडली थे। सो दे नॉट ओनली प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस बट ऑल्सो टीच स्टूडेंट एंड हाउ टू स्टार्ट देयर ओन जर्नी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन। एंड एक और बात गाइज, ये सिर्फ लेडीज सलून है। स्किन हाइड्राफेशियल होने के बाद मेरा फेस बहुत 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 ही ज्यादा ग्लो करने लगा था तुरंत तो नहीं, पर इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे ही पता चलेगा। आई वुड सजेस्ट यू कि ये मंथ में एक बार तो जरूर करना चाहिए और यही सलून में करना क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको हाइड्राफेशियल कहीं नहीं मिलेगा। ये होने के बाद मेरे हेयर्स को ओपन करके अच्छे से उसको फिर से एक बार स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये पूरा होने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि हेयर्स नीचे से थोड़े कट कर दिए जाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्प्लिट एंड्स थे, तो थोड़ा से नीचे से कट करके उसको लेवल कर दिया। एंड हियर इज माय फाइनल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद उन्होंने मुझसे ओवरऑल रिव्यू लिया और कुछ प्रोडक्ट्स दिए टू अप्लाई फॉर हेयर्स एंड उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट जस्टिस मेकओवर? यस, इट वाज रियली वेरी नाइस। लाइक स्टाफ भी काफी अच्छे हैं, अकोमोडेशन भी अच्छा है, फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड एवरी प्रोडक्ट्स वर आल्सो वेरी नाइस। सो बहुत बहुत ही अच्छा था। आपको कैसा लगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लाइक एकदम लुक चेंज हो गया, सो इट्स लाइक वाओ। थैंक यू। कौन सी सर्विस कराई आपने घर? अभी मैंने कहा केरा स्मूथिंग कराई है एंड स्किन हाइड्राफेशियल। हाइड्राफेशियल यस यस। थैंक यू। नाउ दिस इज शैम्पू, दिस शैम्पू मास्क एंड सीरम। ओके, अभी मैंने जैसे आपको शैम्पू किया वैसे ही आपको शैम्पू करना है। ओके, टू टाइम्स शैम्पू एंड देन मास्क। मास्क जैसे लगाते हैं हेयर में, आफ्टर वेट हेयर होंगे लेकिन पूरा पानी निकाल देना है। ओके, फिर बाद में मास्क थोड़ा लेके ऐसे डिमोटिफाई करते हैं, वैसे लगाना है आपको। देन 5 to 7 मिनट्स आपको रखना है। 5 to 7 मिनट्स। देन फिर रिंस करना है यानी वॉश कर लेना है, नॉर्मल बॉडी से वॉश कर लेना है। आफ्टर 80% जैसा आपका हेयर में से पानी निकल जाएगा। ओके, यानी कि 70% वेट होगा समझो। हाँ, ऐसे लगेगा अभी आपका पानी ड्रॉप नहीं हो रहा है हेयर में से, तभी आपको सीरम लगाना है। सीरम हाथ में मतलब 7 to 8 ड्रॉप्स अगर आप रखोगे हाथ में और फिर लगाना है। और एंड फिर लगाना तो क्या स्टेन से मैंने तो कट कर दिया अभी, लेकिन रेगुलर आपको सीरम तो यूज़ करना ही है और सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू और मास्क यही है और यही यूज़ करना है।
क्योंकि आपने तेरा स्मूथ की है तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो पहले शैम्पू और फिर मास्क, तो फिर मास्क एंड देन सीरम, वीकली दो बार। वीकली दो बार जैसे नॉर्मल आप वॉश करते हो वैसे ही वीकली वंस भी चलेगा। That's all about today's video. आप लोगों को मेरा ये न्यू लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोगों को भी करवाना है तो अभी के अभी ये वीडियो को सेव करो, शेयर करो, जल्दी जाके विजिट करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। ओके बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।